हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्चेस वर्ल्ड। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्चेस वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत ही मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ दिल्ली की फेमस छोले भटूरे की रेसिपी। जी हाँ, छोले की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले ही अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। और आज मैं आपके साथ भटूरे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जिस तरीके से आपको रेस्टोरेंट में छोले भटूरे पेश किए जाते हैं, बिल्कुल वही रेसिपी, वही सीक्रेट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए भटूरे की रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है 750 ग्राम मैदा। तो जितने आपको भटूरे बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग आप मैदे का यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने लिया है 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, और इसके अंदर मैंने 200 ग्राम दही का यूज़ किया है गूंदने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दही से भटूरे का जो टेस्ट है हल्का सा खट्टापन लिए होता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो रेस्टोरेंट वगैरह में इसी तरीके से भटूरे की जो बैटर है वो तैयार किए जाते हैं। तो इसको हम अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे किसी भी स्पून की हेल्प से। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक फाइन सा डो तैयार करेंगे, जिस तरीके से हम रोटी बनाने के लिए डो तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से हल्के हाथों से गूंद लूँगी। तो गूंदने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक। तो यहाँ पर मैंने मैदा जो है वो गूंद लिया है और ये है इसका फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। भटूरे का जो आटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा लचीला और सॉफ्ट होता है। तो वो क्यों लचीला और सॉफ्ट होता है उसका रीज़न है कि गूंदने के बाद हम इसको किस तरीके से रख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, वो मैंने रिफाइंड ऑयल इसके ऊपर ही गिराया जहाँ पे हमने आटे का डो रखा है, जिस भी बर्तन के अंदर, और ऊपर से हमें इसके ऊपर पूरे चारों तरफ जो है वो पानी हल्का सा फैला देना है और इसको हम ढक के रख देंगे। दूसरी तरफ जो है वो छोले हमारे बन के बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि भटूरे का असली वजह छोले के साथ ही खाने में आता है। और भटूरे का आटा हमने 1/2 घंटे रख दिया था ढक के, और 1/2 घंटे के बाद जो उसका लुक है वो इस तरीके का है। तो जो भी रिफाइंड ऑयल था वो सब नीचे की तरफ इकट्ठा हो गया है और आटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लचीला बन चुका है। तो एक बार हम इसे और दोबारा से हल्के हाथों से गूंद लेंगे, और गूंदने के बाद जो है वो हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है भटूरे बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट से भटूरे सेक के तैयार करते हैं। तो यह है आटा हमारा भटूरे का। कढ़ाई को मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। भटूरे तलने के लिए हम रिफाइंड ऑयल का यूज़ करेंगे। आटे की इस तरीके से हम रोटियों से थोड़ा सा बड़ा लेंगे लोई का साइज़, और इसको हमें हल्का सा ऑयल लगा के, रिफाइंड ऑयल लगा के बेल लेना है। तो शेप आपकी मर्जी की, आप इसको राउंड भी दे सकते हैं, ओवल शेप भी दे सकते हैं, जैसा भी भटूरे का शेप आपको चाहिए आप उस तरीके से इसको बेल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भटूरे मैंने राउंड शेप के बनाए थे और कुछ ओवल शेप के बनाए थे। तो लोई का साइज़ जो है वो आटे की रोटी से थोड़ा सा हम बड़ा लेंगे। तो ऑयल हमारा बहुत अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए, जिसके अंदर के हम फ्राई करने वाले हैं भटूरों को, और एक एक करके भटूरा जो है वो इसके अंदर डालेंगे और एक गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फटाफट से भटूरे बनते जाते हैं अगर आपका ऑयल अच्छे से गर्म है। और एक गरम गरम छोले के साथ गर्मा गर्म भटूरे दिल्ली की शान है। दिल्ली में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसको छोले भटूरे पसंद ना हो, और छोले भटूरे खाना जिसकी हैबिट में शुमार ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी भटूरे बनके तैयार हो रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारा ऑयल है ना बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। एक एक करके इस तरीके से भटूरे जो है वो हम इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको अच्छे से सेक के निकालते जाएंगे। छोले जो है वो हमारे ऑलरेडी तैयार हैं। थोड़ा सा सैलेड कट करेंगे, साथ में हम ग्रीन चटनी अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं। ऑप्शनल है ग्रीन चटनी, पर सैलेड तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि छोले भटूरे के साथ सैलेड का अपना ही मज़ा होता है। तो इस तरीके से एक एक करके हम सारे भटूरे सेक लेंगे, और फटाफट से फिर मैं आपको बुलाती हूँ टेस्ट करने के लिए। और एक बार जरूर इस तरीके से भटूरे की रेसिपी को बना के देखें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। वीकेंड पे ज़रूर बनाइए एक बार, और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। घर में कोई भी छोटी सी पार्टी हो तो भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है,
और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप लोग देख सकते हैं भटूरे का बहुत ही फूले फूले से बनेंगे और खाने में बहुत ही प्यारा सा इसका टेस्ट आता है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो जब तक कि मैं सारे भटूरे रेडी कर रही हूँ बना के, आपको कर लेना एक छोटा सा काम कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। और सबसे ज़रूरी काम कि अपने वैल्यूबल फीडबैक में से जरूर शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मेरी रेसिपीज बहुत सिंपल होती हैं और ज़्यादातर चीज़ें हमारे किचन में ही अवेलेबल होती हैं। तो एक बार ज़रूर रेसिपी को ट्राई करें, अपना फीडबैक में से शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने प्यारे प्यारे फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भटूरे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो बस फटाफट से आप आ जाएं, मैं प्लेट तैयार कर रही हूँ और खाकर बताएं कि रेसिपी कैसी बनी है। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और जो हम इसमें दही का यूज़ करते हैं, कसूरी मेथी का यूज़ करते हैं, भटूरे जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। एक बार ज़रूर इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो फटाफट से आ जाएं आप भी और टेस्ट करके बताएं कि आपको कैसे लगे दिल्ली के फेमस छोले भटूरे। तो यहाँ पर छोले भटूरे जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं सारे भटूरे तैयार हैं। तो बस मैं प्लेट रेडी कर रही हूँ, आप खाकर बताएं कि आज के छोले भटूरे कैसे बने हैं। तो जब तक कि आप टेस्ट करते हैं तो मैं तैयारी करती हूँ एक नई और प्यारी सी रेसिपी की। तब तक के लिए वेट एंड वॉच यम्मी यम्मी न्यू रेसिपी आर्चेस वर्ल्ड। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें आर्चेस वर्ल्ड को।